नमस्ते, गुड आफ्टरनून, नो गुड इवनिंग, सॉरी गुड इवनिंग, मैं क्या सब बोलती रहती हूँ। एक्चुअली मैं चाहती थी कि शाम से मैं इसको स्टार्ट करूँ, बट मतलब शाम से मीन्स दोपहर से, बट नहीं हो पाया क्योंकि बहुत कुछ काम था मुझे। मेरे हस्बैंड आज सुबह को ऑफिस नहीं गए थे, मेरे हस्बैंड आज दोपहर को ऑफिस निकले, तो समझ सकते हो वीकडेज़ में, अगर वीकडेज़ या चाहे वीकेंड में ही हस्बैंड घर पे रहते हैं तो बहुत सारा काम पड़ जाता है। तो यस, आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट करी हूँ। अभी बजे हैं 7:15 और मैं अभी चाय बनाने जा रही हूँ। मतलब चाय बिठा दिया है मैंने, चढ़ा दिया है। तो और ये जब भी मैं पहनती हूँ ना, ये पूरा नर्सिंग होम वाला फीलिंग देता है, जैसे मतलब आप समझ सकते हो ना, मैटरनिटी टाइप का लगता है मुझे। बट ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वाइट के ऊपर है ना, और बहुत क्यूट क्यूट फ्लावर्स है, सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं सुबह से, मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैंने बालों को भी ठीक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस लिप बाम हर टाइम पे लगाती रहती हूँ। तो लिप बाम मैंने दोपहर को लगा लिया था, तो अभी भी है, देख सकते हो। इसलिए मुझे मेबलिन इतना पसंद है। और इसका कलर तो देखो कितना अच्छा आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत नेचुरल सा लगता है, और थोड़ा मतलब कितना प्लमी लगता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ यार, मेरे लाल लाल क्यों लग रहे हैं? या तो मुझे रैशेस हुए हैं, या तो ये मेरा नेचुरल ग्लो है, या आई डोंट नो। मैंने कुछ लगाया नहीं, मॉइस्चराइजर लगाया था शाम दोपहर, मतलब नहाने के बाद। सो चाय मैंने बिठा दिया है, और पता नहीं आज का ब्लॉग कैसा होगा मेरा, या तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, या तो यू नो। और ये चाय मेरी हो गई है, और या आज मैंने मौसम्बी और उसको क्या कहते हैं, अनार का जूस पिया है हम दोनों ने। और आज वो जो मेरे बैक पे कुछ रैशेस हुए थे, तो उसके लिए हम लोग डॉक्टर दिखाने गए थे, तो मेरे हस्बैंड को भी चक्कर आ रहे थे कुछ दिन से, तो उनको भी दिखा लिया उसी चक्कर में, तो उनका बीपी थोड़ा सा हाई है। आई डोंट नो कैसे, क्या इतना सोच रहे हैं, क्या इतना टेंशन कर रहे हैं, आई डोंट नो। मैंने उनको पूछा भी, बट जिस चीज़ को लेके वो टेंशन कर रहे हैं वो हमारे हाथ में है ही नहीं। मतलब कभी कभी होता है ना इंसान के हाथ में, कभी एक टॉपिक जो होता है उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जैसा है। मैं भी कभी कभी उस चीज़ को लेके परेशान हो जाती हूँ, बट क्या कर सकते हैं यार, हर एक इंसान का लाइफ अलग होता है, या तो एक्सेप्ट कर लो या तो लड़ते रहो लाइफ में अपने आप से, भगवान से, या मतलब आई नो। सो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा समझती हूँ इस चीज़ को, बट जब दूसरों को होती है ना तब तसल्ली जो है दे सकते हो आप। बट मुझे नहीं लगा था कि वो इसको लेके इतना ज़्यादा परेशान है, मुझे सच में नहीं लगा था। एक मिनट, मेरे हाथ में चाय की जगह होगी तो मैं दरवाज़ा नहीं खोल पाऊँगी। एक मिनट, एक ही प्रॉब्लम है इस घर में यार, यहाँ पे किचन से जाने के लिए ये वाला दरवाज़ा है, बार बार इसको खोलना पड़ता है। मैं खोल के भी नहीं रख सकती क्योंकि इस घर में चूहा है, चूहा घुस जाएगा। अभी तो नहीं परेशान करता है चूहा, बट जब भी अभी गर्मी पड़ेगी ना, मुझे तो बहुत दिनों तक परेशान किया, मैं कितनी बारी मेडिसिन डाला फिर जाके मर गया, तो फिर भी परेशान करता रहता पूरे जो गर्मी में ना, वो परेशान करता है।
तो इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। हाँ वहाँ पे रहता है, चलो ठीक है, मेरे किचन में इसलिए मैंने कोई भी डब्बा नहीं रखा, कोई भी खाने का सामान मैं नहीं रखती हूँ। सो या तो मैं अभी चाय पी लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, बाय। तो मैं हूँ अभी किचन में, तो मैं अभी बना रही हूँ डिनर प्लस कल का लंच, क्योंकि वो ऑफिस ले जाने वाले हैं। तो एक मिनट, क्या मच्छर है यार यहाँ पे। मैंने आलू और अंडा बॉयल होने के लिए रख दिया था, तो वो हो गए हैं, बस ठंडा हो जाए तो मैं उनको निकाल के छील लूँगी। और हाँ, मैं कुकर में करती हूँ क्योंकि ये बहुत आसानी से बन जाती है, जल्दी बन जाती है, और या मैंने सीखा है मेरी सासू माँ से अगेन। तो ये, और यहाँ पे है चावल, ये भी बन रहे हैं। मेरी रोटी जो है बन गई है, मैंने यहाँ पे रखा है मेरा जो कैसरोल है वो अभी रिजर्व है, मैंने मालपुआ बनाया था तो उसमें ही है, तो वो तेल तेल हो गया है, उसमें अभी भी मालपुआ है, तो इसलिए इसमें रखा है फॉइल पेपर में रैप करके। तो अभी मैं, और रात के लिए मैं बनाऊंगी दम आलू और एक करी जो है एक साथ बनाऊंगी, फिर मेरा दम डिनर का जो दम आलू है उसको निकाल के रख दूंगी, फिर उसी मसाले में उसी आलू के साथ मैं जो मेरा अंडा है फ्राई करके रखा हुआ, मतलब अभी तो बॉयल हो गया है, उसको फ्राई करके फिर उसको उस दम आलू में डाल के थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, तो एक साथ दो दो खाना हो जाएगा। तो आप भी कर सकते हो कभी कभी, मैं कर लेती हूँ यह सब। और क्या, बहुत गर्मी लग रही है यार, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, फाइनली गर्मी पड़ गई है। और यार मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, कब ये होगा, चलो कर लेती हूँ फटाफट से, अभी इसको छीलना है। प्याज काट के आंखों में पानी आ गया, ये किसी हालत में ठीक नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है कभी कभी नहीं। तो मैं सोच रही थी सब्जी तो बना ली, उसके साथ थोड़ा सा फ्राई हमको लगता है, हम बंगालीज है, चाहे कोई भी करी बना लो, दाल बना लो, बट फ्राई इसमें कुछ लगता है। तो मेरे हस्बैंड को ये इसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो इसको फ्राई करूँगी मैं, सोचा था आलू के साथ करूँगी, बट नॉर्मल भी कर सकते हैं, मेरे हस्बैंड को नॉर्मल ही पसंद है, लहसुन के साथ मैं करूँगी आज। सो चलो, इसके ना फूल वाले पार्ट, ये जो पार्ट है ना इसको नहीं डालते हैं, इसको अलग कर देते हैं, तो इसको मैं अलग कर रही हूँ। मच्छर काट काट के मुझे सुझा दे रहे हैं तो इसको काट लेती हूँ, ये मेरा हो गया है, इसको पानी में देखने। मच्छर की मैंने धूप बोलता है ना, धूप भी जलाया है, मतलब अगरबत्ती भी जलाया है, फिर भी नहीं हो रहा है। और ये जो है नॉट ग्लोइंग स्किन, ठीक है, ये मेरे स्वेटिंग हो रही है मुझको, और आई थिंक नो गैस अभी मत ख़त्म होना, मुझे लग रहा था गैस ख़त्म हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा था। सो लहसुन छील लेती हूँ, उसके बाद ये कर लेती हूँ। तो अभी मैं फ्राई कर रही हूँ ये, बस थोड़ा सा बाकी है, हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने अंडा भी छील के रख दिया है, देखिए मैंने इसको कुकर में बॉईल किया था, और ये अंडे की सब्जी में जाएगा आलू, और ये दम आलू में जाएगा आलू, इसे मैंने काटा है ऑब्वियसली। सो या चावल अभी तक थोड़ा सा टाइम है,
चलो टाइम लगेगा, इतनी मच्छर है ना यहाँ पे बताइए मत। मैं सबका मेरे बंगाली चैनल में सभी का कमेंट्स पढ़ रही थी अभी थोड़ी देर पहले, मैंने एक वीडियो डाला है तो उसी में ही कमेंट्स आया था, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग इसको पसंद करते हैं, सब लोग देखते हैं और बंगाली मतलब इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। और क्या अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा वो वाला चैनल नहीं देखा है तो ज़रूर चेक कीजिएगा, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, उसमें क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए वहाँ पे जाके और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वो नया चैनल है ना तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कितनी गर्मी हो रही है यार। और हाँ, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कर देना चाहती हूँ या एक चीज़ क्लियर कर देना चाह एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ मैं एक चीज़, क्योंकि मैंने पहले बताया ना कि एक साथ ही मैं दम आलू और सब्ज़ी बनाऊँगी, एक साथ ही उसमें से डाल दूँगी, तो आप लोग में से बहुत लोग सोचेंगे एक ही टेस्ट हो जाएगा, बट नो, जब आप एक डालोगे ना और उसके ऊपर आप गरम मसाला पाउडर डालोगे तो उसका टेस्ट, एक डालने से गरम टेस्ट पूरा चेंज हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती कि दोनों सेम टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का टेस्ट एक डालने के बाद चेंज हो जाता है। तो अभी मैंने ये मैं एक और आलू को फ्राई करके रख रही हूँ, उसको निकाल के रख दूँगी, फिर दम आलू को स्टार्ट करूँगी। मुझ में और हिम्मत नहीं है और कुछ बनाने की, बस मेरी रोटी बन गई है इतनी ही काफ़ी है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग लेता है, लास्ट में बनाने के लिए हो जाता है, फिर एनर्जी नहीं बचती है। तो ये मैंने एग्स डाल दिए हैं और दम आलू आपको दिखाती हूँ, मैं नमक डाल देती हूँ। ये इसका ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ा होगा, थोड़ा सा बॉईल हो जाए। तो ये है हमारा डिनर, रोटी, दम आलू और ये मेरे हस्बैंड की प्लेट है तो उनको मैंने मालपुआ भी दिया है। और ये है मेरे एक्शन कैमरे की थोड़ी सी फुटेज, मैंने घर पे ही निकाला था, बस चेक कर रही थी कैसा लग रहा है। सो इट्स प्रिटी गुड एंड वॉल्यूम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसमें कोई भी वॉइस नहीं डाला है, बट इसमें या बाहर जाने में शायद ही लगेगा माइक, बट घर पे या तो मतलब ऐसे व्लॉगिंग में नहीं लगेगी, तो देख सकते हैं पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। तो बाय।